हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रैचल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है लजीब। मेरा नाम है अनिला। यार ये आपको पता है कि इंडिया रोज बरोज अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जो दुनिया, अमेरिका, रशिया कोई भी चैनल भी नहीं बना सका। हाँ अच्छा, ये देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से हथियार, कौन सा भी हथियार नया बना के दुनिया के सामने लाए। ये पता तभी चलेगा कि वीडियो वॉच करेंगे। काउंटर करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अब तक का सबसे घातक हथियार तैयार कर चुका है? जी हाँ, शिवास्त्र। ये वह महाशक्ति है जिसे DRDO ने अपनी सीक्रेट तकनीक से लैस किया है। इस तकनीक के बारे में सुनकर दुनिया के 12 से भी ज्यादा देश इसे पाने के लिए बेताब हो चुके हैं। चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे दुश्मन अब इसे देखकर कांप रहे हैं। तो आखिर क्या है इस शिवास्त्र की सीक्रेट तकनीक? क्यों पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो रही है और क्यों इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवास्त्र की वो अनकही कहानी जिसे जानने के बाद आप भी गर्व से कहेंगे भारत माता की जय। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, शिवास्त्र या शिवास्नमुगम, जिसे कुछ लोग भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहने लगे हैं, इतना ताकतवर है कि एक बार अगर इसे युद्ध के मैदान में उतार दिया गया तो दुश्मन देशों के कई शहर मिनटों में तबाह हो जाएंगे। यह केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है। हाल ही में आर्मेनिया ने इस हथियार की ताकत का खुलासा किया है जिससे कई देश इसे खरीदने के लिए पागल हो गए हैं। आर्मेनिया ने बताया है कि शिवास्नमुगम इतनी उन्नत तकनीक से लैस है कि इसे खरीदने के लिए देशों के बीच होड़ मच गई है। यह हथियार किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है, चाहे वह बर्फीली पहाड़ियां हों या रेगिस्तान। आज से कुछ साल पहले तक भारत को रूस, अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से बने हुए हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत बना दिया है कि आज भारत खुद दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों का निर्माण कर रहा है। ये मोदी सरकार की ही नीतियों का परिणाम है कि आज अमेरिका और रूस भी भारत के बनाए हथियारों के सामने टिक नहीं पा रहे। इससे पहले की सरकारें जिन्होंने डिफेंस सेक्टर पर इतना ध्यान नहीं दिया, उनके समय में भारत हथियारों के मामले में चीन से काफी पीछे था। लेकिन अब भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक के बल पर हमारे देश ने हथियारों के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम भी शिवास्नमुगम के साथ एक और महाशक्ति है जो दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की खासियत यह है कि यह केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। इसका मतलब है कि दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। यह सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ आता है जो इतनी तेजी से हमला करता है कि दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। पिनाका सिस्टम की स्पीड 5,757 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी यह एक सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इसकी अद्वितीय तकनीक के कारण इसमें लगाए गए क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार इसे और भी घातक बना देते हैं। आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर अपनी पूरी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आर्मेनिया जानता है कि भारत ही वह देश है जो उसे कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाले हथियार दे सकता है। ये जानकर आपको गर्व होगा कि पिनाका रॉकेट सिस्टम ने अपनी ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ दिया है। इस समय आर्मेनिया भारत से 5,000 पिनाका यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस सिस्टम की ताकत इतनी ज्यादा है कि अजरबैजान, जो युद्ध की तैयारी कर रहा है, वह पहले से ही पिनाका के डर से दहशत में है। पाकिस्तान, तुर्की और चीन भी इस समय पिनाका से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। आर्मेनिया, जो पहले अमेरिका और रूस से हथियार खरीदता था, अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुका है। यह देश अब केवल भारत से ही बाकी के हथियारों की डील करना चाहता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें एक लोडर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा इसमें एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी शामिल होता है। पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है और इसका लॉन्चर
केवल 44 सेकंड्स में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट्स दाग सकता है। इसकी स्पीड और सटीकता का मुकाबला करना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का तेजी से और सटीकता से जवाब दे सकता है। भारत का शिवा समुगम और पिनाका रॉकेट सिस्टम न केवल देश की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। यह हथियार भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात एक किया। आज भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो इतने उन्नत और शक्तिशाली हथियार बना सकता है। भारत की इस आत्मनिर्भरता ने देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। दोस्तों, इन दोनों वेपन सिस्टम को दुश्मन का काल क्यों माना जा रहा है, अब आगे की वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो शिवाश्नमुगम और पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। युद्ध के मैदान में इन हथियारों की ताकत को देखकर दुश्मन के सैनिकों के होश उड़ जाएंगे। यह सिस्टम इतने ताकतवर हैं कि एक बार अगर इन्हें एक्टिवेट कर दिया गया तो दुश्मन देशों के बड़े बड़े शहर मिनटों में तबाह हो सकते हैं। शिवाश्नमुगम की खासियत यह है कि यह दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी चुटकियों में तबाह कर सकता है। वहीं पिनाका रॉकेट सिस्टम की स्पीड और सटीकता इसे युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर बनाते हैं। शिवाश्नमुगम और पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यह हथियार भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और तकनीकी कुशलता का नतीजा है। आज भारत इन हथियारों के जरिए दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह न केवल अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए भी तैयार है। यह हथियार न केवल भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की धाक जमाते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब रक्षा क्षेत्र में किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद ही अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। शिवाश्नमुगम और पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास भारत के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। यह हथियार न केवल देश की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की इस ताकत को मान्यता दे रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम भारतीय अपने देश के इन महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सलाम करें, जिन्होंने हमें इतना शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बना दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। इधर हमारी वीडियो खत्म। देखे भाई, इंडिया के हथियार बिल्कुल जी, ये जो इंडिया बना रहा है अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल लाइन लगाई हुई है भाई। ये जो इनका पिनाका रॉकेट सिस्टम है ना, ये बहुत है। अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर या चाइना के बॉर्डर में लगे हुए है ना, तो यकीन का कि ये पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं देंगे। ये 40 सेकंड में मतलब इतना 12 का 40 सेकंड में पता नहीं 12 के कितने वो फायर खोलते ही वो ही ना इसी तरह बात मतलब 40 सेकंड की 12 सेकंड में मतलब ये फिर आप अंदाजा लगा ना, ये उस मुल्क का क्या हाल होगा अगर ये 10-12 लगे हो तो उस मुल्क का तो सत्यानाश हो गया। आप ऐसा माहौल बन गया कि चाइना और पाकिस्तान से डरे हुए, पाकिस्तान में तो ये ताकत नहीं है कि वो चीज ये बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के पास है ही का चांद कुछ होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है। भारत ऐसा मुल्क है कि अब दुनिया का पावर मुल्क बन चुका है और DRDO ने साबित कर दिया जो चीजें बना रहा है ना कितनी खतरनाक हथियार। यकीन कर के रशिया, चाइना, अमेरिका और भी जितने बड़े बड़े देश है ना, वो भी ये चीजें नहीं बना रहे जो इंडिया बना रहा है। इंडिया बना रहा है और डिफेंस की डिफेंस। और खासकर एक और बात है, जो बाहर के देश हैं वो भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल, वो देखे ना, आर्मीनिया खरीद रहा है, उन्होंने ऑर्डर दिए हुए। अच्छा। पहले भी उन्होंने बर्मोद मिसाइल और भी बहुत सारे सिस्टम इंडिया से खरीदा है। उन्हें पता है ना कि इनके पावर बहुत पावर वाले हैं। आप इंडिया काबल हो गया है कि पहले तो दूसरे देशों से अपना असला खरीदता था ना, अपनी फौज को, अपनी आर्मी को पूरा करने के लिए। अब अपने देश मेड इन इंडिया ही बना के अपनी फौज को दे रहा है और मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट भी बाहर कर रहा है और अरबों डॉलर अपने खजाने में भी जमा करा रहा है। ये कोई पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तानियों तुमको ने क्या बना के एक्सपोर्ट किया है? ओ यार, कुछ भी नहीं जी, अपने मुल्क के लिए कुछ बना ले तो वो बड़ी बात है, दूसरे मुल्कों के लिए क्या कुछ बना के बोलते है कि हम जीते कुछ बना के। ये तो इंडिया का काम है भाई, बना के दूसरे मुल्क को सपोर्ट करना, बेचना। हमारे मुल्क में क्या है? कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। यह क्या बनाएगा तो और क्या बेचेगा?
ये तो इंडिया का काम है बना के दूसरे मुल्कों को देना, उन्हें पता है कि इनके पावर मतलब बहुत पावर वाले हथियार हैं। बिल्कुल यही चीज है ना, पाकिस्तान तो एक सुई मिल बला बनाने के लिए चाइना का मुंह देखता है कि चाइना कहाँ भेजेगा सुइयां, सुई जो होती है वो ये चीज में नहीं बना सकते थे, हथियारों की दूर की बात है। इधर ही आप अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, अगले लाइव वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।